दोस्तों, जिस तरह से गोदी मीडिया ने देश में एग्जिट पोल के नाम पर जो भ्रम फैलाया था, उसका एक उदाहरण देखिए और ये वीडियो एंजॉय करिए। नमस्कार, शाम के 5 बजने को हैं। मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम दंगल। अच्छा है। आज का दंगल 2024 के चुनाव में नतीजों से पहले अनुमान पर मचे घमासान को लेकर है। देश के दर्जन भर से ज्यादा मीडिया प्रतिष्ठानों ने लोकसभा चुनाव के नतीजों का अनुमान लगाते हुए एग्जिट पोल किया है। एग्जिट पोल के नतीजे में एनडीए 400 पार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। कुछ भी जबकि इंडिया गठबंधन को 150 सीटें भी मिलती नहीं नजर आ रही। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। एग्जिट पोल के अनुमानों के बाद से ही विपक्षी गठबंधन बौखलाया हुआ है। ये तो बीजेपी की लाइन है, आप ऐसी टी शर्ट ले लो ना। एक विपक्षी गठबंधन दल के नेता एग्जिट पोल के बिल्कुल उलट नतीजे आने का दावा कर रहे हैं। बहुत तेज हो रहा है। ऐसे में सवाल है कि क्या नतीजों से पहले चुनाव आयोग पर सवाल उठाकर विपक्षी दल पक्षपाती चुनाव का भ्रम फैला रहे हैं? नहीं। क्या अनुमानों में हार का संकेत पाकर विपक्षी दलों की ओर से हार का ठीकरा फोड़ने के बहाने तलाशे जाने लगे हैं? ना। और क्या विपक्ष की ओर से चुनाव आयोग के सामने रखी गई मांगों पर, खासकर पोस्टल बैलेट की गिनती पहले ही सार्वजनिक हो जानी चाहिए? तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। अब इनसे मिलिए। मोहन दास करमचंद विवेक जी की नाराजगी जायज है। मैं विवेक जी के, देखिए ऐसा है कि मैं विवेक जी की नाराजगी के साथ हूँ। देखिए, कोई भी इतनी सीट का नंबर देख लेगा उसके बाद नाराज ही हो जाएगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दूसरी तरफ चार तो मूड खराब होना लाजमी आदमी का। कोई ग्रिप नहीं है इसके पास, लौंडा हवा में उड़। दोस्तों, इनसे मिलिए, इन्हें कौन नहीं जानता। वैसे तो बहुत सारे एग्जिट पोल के वीडियो सोशल मीडिया से रिमूव कर दिए गए, लेकिन कुछ बचे हैं तो आपके लिए मैं लेकर आया, प्लीज इसे एंजॉय करिए। तो इस एग्जिट पोल के जो बड़े हेडलाइंस हैं, लगातार आप इंडिया टीवी पर देखते रहिएगा। 401 सीट तक, यानी नरेंद्र मोदी का जो नारा था उसको हकीकत में तब्दील होने तक बीजेपी इसको ले जा सकती है। एनडीए 400 पार हकीकत में जा सकता है, हमारा प्रेडिक्शन है। तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती क्या? नरेंद्र मोदी तीसरी बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ सरकार बना सकते हैं। तो हिंदुस्तान में एक सियासी चमत्कार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या बात कर रहे बाबा? एग्जिट पोल का डेटा यही बता रहा है, जो काम इंदिरा गांधी नहीं कर पाई वो काम नरेंद्र मोदी करके दिखा रहे हैं, 400 पार। दोस्तों, चापलूसी और तारीफ में एक फर्क होता है। कोई इंसान कितना भी महान क्यों ना हो जाए, लेकिन उसके पीछे आंख बंद कर चलना ये एक बेवकूफी है। अगर ऐसा होता तो ऊपर वाला आपको दिमाग ही नहीं देता। जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था वो 4 जून को सच हो सकता है। एनडीए को 401 सीटें भी मिल सकती हैं।